क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और इसी में आपका चैप्टर नंबर 1 है, क्या नाम उसका, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास, इसी की पार्ट में हम लोग आठवें पार्ट की आज हम पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। और आज के पार्ट में आपके लिए क्या लाया है, तो आज के पार्ट में आपके लिए चार क्वेश्चन है और चारों के चारों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, तो यह इटली के एकीकरण की समस्या, इटली के एकीकरण में क्या क्या समस्या था वो है, इसके बाद जर्मनी के एकीकरण की समस्या, जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या समस्या है, इसके बाद में क्या है, इटली और जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है वो है। और लास्ट में जाएंगे कि विलियम वन मतलब विलियम प्रथम, इसको बोलते क्या है, विलियम प्रथम, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, है ना, बिस्मार्क के लिए संभव नहीं था कैसे। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन वहां जानेंगे, इससे पहले हम इसको गणना करें क्योंकि हम जब समझाते हैं तो हमको आदत है कि क्या करते हैं उसको गणना कर देते हैं, समझाते हैं, है ना। तो अब करना क्या है कि जल्दी से इसका पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका क्या कीजिए, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि हम उसको भी समझा सके। चलिए उम्मीद है आपसे स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे, ले लिया है। चलिए अब हम वापस आते हैं और इसको समझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इटली के एकीकरण की समस्या, ठीक है। हम लोग पार्ट नंबर 6 में, पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 6 में हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ चुके हैं, पढ़े था पार्ट नंबर 5 में पढ़े थे इटली के एकीकरण के कौन कौन से हीरो थे वो हम लोग जाने थे। पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़े, तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ, पढ़े नहीं पढ़े, तो उसमें आपको जो अभी हम आपको बताएंगे ये सब बात उसमें हम बता चुके हैं, लेकिन इसी को हम क्या किया, एक अलग क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा समस्या क्या था, कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा समस्या था उसका भौगोलिक स्थिति, क्या था उसका भौगोलिक स्थिति, सर भौगोलिक स्थिति कैसे समस्या था उसके लिए। तो हुआ क्या, देखिए समझे ध्यान से, मान लीजिए कि आपका इटली है, ठीक है, और इटली में क्या था कि मड इटली, मड मतलब बीच में, बीच वाला इटली में क्या था, पोप का राज्य था, किसका राज्य था, पोप का क्या था, राज्य था। तो मड इटली में पोप के राज्य होने से उत्तरी और दक्षिणी इटली को मिलाना क्या था, संभव नहीं था, है ना। पोप को अगर हम चुनौती करते हैं, पोप को यहां से हटाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि जितने भी यूरोपीय कंट्री है जहां पर कैथोलिक धर्म है, जितने भी यूरोपीय कैथोलिक धर्म वाले देश है उनसे दुश्मनी मोड़ लेना, ठीक ना। तो यह समस्या और कम ना क्या हो जाता, और ज्यादा हो जाता, कि हमारे लिए समस्या था कि नहीं समस्या था, हमारे लिए नहीं मतलब इटली के लिए समस्या था ना। तो पहला समस्या समझाया, पहला समस्या क्या था, फिर से सुन लीजिए, पहला समस्या क्या था, इटली की भौगोलिक स्थिति, इटली का जो भौगोलिक स्थिति है वो इटली के एकीकरण में क्या था, बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि मध्य इटली में क्या था, पोप का राज्य था, जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी इटली को क्या करना, एक सूत्र बांधना, एक जगह करना क्या था, पॉसिबल नहीं था। पोप को चुनौती देने का मतलब है कि जितने भी यूरोपीय कैथोलिक देश है, यूरोपीय कैथोलिक देश ही याद रखिएगा, जितने भी यूरोपीय कैथोलिक देश है, मतलब यूरोपीय कैथोलिक देश है ना, उनसे क्या करना, दुश्मनी मोड़ लेना, इससे समस्या कम ना हो तो क्या होता है, बढ़ जाता, ठीक है। दूसरा समस्या क्या था, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, दूसरा क्या समस्या था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, क्यों से ऑस्ट्रिया और फ्रांस कैसा समस्या था, तो जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस है ना वो इटली के कुछ जगहों पर क्या किया था, कब्जा किया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो था इटली के कुछ इलाकों पे क्या किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। तो ये ऐसी तो जाने नहीं देगा जब तक इसको हराते नहीं है, हरा किसको भगाते नहीं है, तब तक क्या इटली का एकीकरण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या था, एक समस्या था, है ना। और लास्ट समस्या क्या था, तो कुलीन वर्ग, इटली में जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना वो भी क्या करते, एकीकरण का विरोध कर रहे थे, ठीक ना, एकीकरण का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ये भी क्या बन गया, समस्या बन गया। तो इटली के एकीकरण का समस्या समझाया आया, चलिए एक बार में समझ लीजिए, इटली के एकीकरण की क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या रुकावटें थी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो लिखना क्या है कि इटली के एकीकरण की समस्याएं निम्न थी, है ना, जो भी समस्याएं थी, जो भी रुकावटें थी वो निम्न है। अब कौन कौन है, तो पहला पद, इटली का जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ की सबसे बड़ा रुकावट था, मध्य इटली में, बीच वाली इटली में क्या था, पोप का राज होने से उत्तरी और दक्षिणी इटली को मिलाना क्या था, संभव नहीं था, उत्तरी और दक्षिणी इटली को एकजुट करना संभव नहीं था। अब पोप को चुनौती देने का मतलब है कि जितने भी यूरोप के कैथोलिक राज्य हैं उनसे दुश्मनी मोड़ लेना, उनसे दुश्मनी मोड़ लेना, क्योंकि उससे दुश्मनी जाएगी, इसलिए पोप को चुनौती देते हैं, पोप को भगाते वहां से, तो जितने भी यूरोप के कैथोलिक राज्य हैं वो इसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देता, उनसे हम लोग का दुश्मनी बढ़ जाता, समस्या और बढ़ जाता। ये सबसे पहला कारण था, कारण नहीं रुकावट था। दूसरा रुकावट क्या था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, दूसरा क्या रुकावट था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, कैसे, तो क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस इटली के कुछ इलाकों में क्या किए हुए थे, कब्जा किए हुए थे, कुछ इलाके, कुछ इटली का जो कुछ इलाका है वो इनके अंदर में था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अंदर में था, ठीक ना। तो जब तक इन दोनों को हम नहीं हराते हैं तब तक उन इलाकों को हम हासिल कर पाएंगे, इटली हासिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये भी एक समस्या था। और तीसरा समस्या क्या था, कुलीन वर्ग का विरोध, है ना, जो कुलीन वर्ग का विरोध था वो भी क्या था, इटली के एकीकरण में क्या था, समस्या था। आया, क्लियर,
बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण की समस्या। तो जर्मनी के एकीकरण की हम समस्या आपको बता रहे हैं, इससे पहले एक बात बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन है कि सर आपका वीडियो जो है ना अच्छा तो लग रहा है सर, लेकिन होता क्या है ना कि पार्ट बाय पार्ट, मान लीजिए कि पार्ट नंबर 8 है तो ये तुम देख रहे हैं, मेरा पार्ट नंबर 7 छूट गया सर, और सातवां पार्ट छूट गया, छठा छूट गया सर, तो उसको खोजने में बड़ी दिक्कत हो रहा है ना, तो सर कहां से खोजे ना। तो इसके लिए हम क्या किए हुए ना कि जितना भी पार्ट आपको बना हुआ है सब पार्ट हम क्या किए हुए प्ले लिस्ट बना करके डाल दिया है, जितने भी पार्ट है, इसी का नहीं, हिस्ट्री का ही नहीं, साइंस का हो या हिस्ट्री का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो, सब का पार्ट बाय पार्ट क्या किए हैं चैप्टर वाइज करके एक प्ले लिस्ट में करके हम डाल चुके हैं। अगर आपको वहां से देखना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो मेरा रोज मैं पढ़ लिखा है उसको जो पेज है पेज खोलिएगा, उसके बाद आपको प्ले लिस्ट का कहीं ऑप्शन दिखेगा, वीडियो होम प्ले लिस्ट अकाउंट ऐसा बहुत सारा ऑप्शन पढ़ने को मिलता है, तो प्ले लिस्ट का आपको क्या मिलेगा एक ऑप्शन मिलेगा, आप प्ले लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करते हो तो नीचे बहुत सारा आपको क्या मिलेगा प्ले लिस्ट मिलेगा। अब आपको जो वीडियो देखना है, साइंस का देखना है, हिस्ट्री का देखना है, मतलब जिस चैप्टर का भी देखना है, वो चैप्टर प्ले लिस्ट जैसे खोलिएगा वैसा उस चैप्टर का टोटल वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगा, टोटल वीडियो उसका क्या मिल जाएगा एक ही जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप क्या करोगे उसको खोज सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है, जर्मनी के एकीकरण की समस्या है ना। तो जैसे इटली के एकीकरण की समस्या था, जर्मनी का एकीकरण की भी बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहला क्या समस्या था, तो इसको भी बोल सकते हैं भौगोलिक स्थिति, कैसे जैसे इसका भौगोलिक स्थिति था ना समस्या, इसका भी भौगोलिक स्थिति समस्या था, क्या था ना कि यहाँ 300 छोटे बड़े राज्य थे, 300 छोटे बड़े क्या थे राज्य थे, जिनको आपस में मिलाने का बहुत बड़ा काम था, यहाँ पर जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे जिनको आपस में मिलाने क्या था बहुत बड़ा काम था, ये भी बहुत बड़ा एक समस्या है, ठीक है। दूसरा समस्या क्या था, तो 300 छोटे बड़े जो राज्य आप कितने ना कि 300 छोटे बड़े राज्य हैं, इन 300 राज्यों में क्या था ना एकता का अभाव था, कोई एकता था ही नहीं, होता ना कि एकता है तो भाई चलो हम लोग एक जगह मिल जाते हैं, नहीं एकता था ही नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में चार भाई हो और चारों भाई में क्या है ना एकता का अभाव है, तो पापा के क्या होता बड़ी मुश्किल होता है चारों को मिलाकर के रखना, होता नहीं होता, चारों मिलकर रहते हैं एकता जब नहीं रहता ना तो चारों बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं ना, तो पापा के लिए बड़ी मुश्किल होता है कि चारों को मिलाकर रखें, वही काम नहीं आप बोला कि 300 छोटे बड़े राज्य है और साथ उनमें एकता भी नहीं था, तो एकता नहीं होने के कारण क्या था ना उनको मिलाना क्या हो रहा था बड़ी मुश्किल हो रहा था, एकीकरण उनका करना क्या हो रहा था बहुत मुश्किल हो रहा था, आया समझ में। तो एकता का अभाव दूसरा कारण बन गया। तीसरा कारण क्या होगा, राष्ट्रवाद का अभाव, वहां पर राष्ट्रीयता भी नहीं था, राष्ट्रीयता मतलब देशभक्ति भी नहीं था उन लोगों में, होता है ना कि देशभक्ति करें हम लोग 300 जो राज्य है अपना देश जर्मनी का ही नहीं हम लोग है तो चलो हम लोग 300 मिल जाते हैं, है ना, तो उनमें ऐसा कुछ था नहीं, देशभक्ति नहीं था, राष्ट्रीयता नहीं था, तीसरे में उनको एकीकरण करने में क्या हो रहा था बड़ी दिक्कत हो रहा था, उनका एकीकरण जो कर रहे थे ना बिस्मार्क विलियम प्रथम, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था, आया समझे ना, कोई दिक्कत। इसके बाद हमारा क्या था, तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, क्यों तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और पांचवा फ्रांस का हस्तक्षेप, ये दोनों जो देश है यहाँ पर भी क्या किए हुए थे कुछ इलाकों पे कब्जा किए हुए थे, जो जर्मनी का कुछ इलाका था ना उस पे भी कब्जा कुछ किए हुए थे ऑस्ट्रिया और फ्रांस, तो ऐसी तो जाने नहीं ना देंगे, तो इनको हराना भी क्या था बहुत बड़ा बात था, है ना, क्योंकि उस समय ये लोग क्या थे बहुत पावरफुल कंट्री थे, बहुत पावरफुल देश थे, अब शक्तिशाली देश है दोनों, ये दोनों तुम्हारी जगह पर कब्जा किए हुए तो उसको क्या करोगे हरा लोगे जल्दी से, नहीं मान लीजिए तुम्हारी जमीन है, अपना जमीन पे दो दबंग आके कब्जा किए हुए हैं, गांव का जो दबंग है ना वो कब्जा किए हुए, तो आपको क्या होता बड़ी दिक्कत होता है उसको अपनी जमीन में मिलाना, होता है ना, तो यहाँ पर भी तो ही हो रहा है ना कि दो उस समय जो दबंग आर्मी है ऑस्ट्रिया और फ्रांस है ना ये क्या किया था, तो जर्मनी के कुछ इलाकों पर क्या किया था कब्जा किया हुआ था, है ना, ऐसा हराना क्या था बहुत बड़ी बात था, बहुत मुश्किल था, तो ये भी क्या था समस्या था। तो जर्मनी के एकीकरण की समस्या समझ आया, आया जर्मनी के एकीकरण की समस्या क्या क्या है जी। तो पहला पॉइंट सर यहाँ पर 300 छोटे बड़े राज्य थे, 300 छोटे बड़े राज्य थे जिसको मिलाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं थी, है ना, बहुत मुश्किल का काम था ये। दूसरा सर 300 तो राज्य थे ही साथ उनमें एकता भी नहीं था, और एकता ना होने के कारण क्या रहा था ना कि जो इसको एकीकरण किया जा रहा था ना उसमें बड़ी मुश्किलें आ रहा था, बहुत दिक्कतें आ रहा था, नहीं। तीसरा क्या था, तो सर वहां राष्ट्रवाद भी नहीं था, देशभक्ति भी नहीं था, राष्ट्रवाद की भी क्या थी कमी थी, क्या थी कमी थी, इससे भी क्या होता बहुत बड़ा दिक्कत था ना, होता ना कि देशभक्ति है तो चलो मिल गए जल्दी से गिराया तो मिल गए, नहीं तो राष्ट्रवाद भी नहीं था सर, राष्ट्रवाद की कमी थी, याद हो गया। तीसरा पॉइंट क्या, राष्ट्रवाद की कमी। चौथा पॉइंट क्या, तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया क्या किए इंटरफेयर किए हुए था मतलब कुछ इलाकों पे कब्जा किए हुए था। और पांचवा पॉइंट क्या था, फ्रांस का हस्तक्षेप, फ्रांस भी क्या किए हुए था कुछ इलाकों पे कब्जा किए हुए था, आया समझना। तो ये सब क्या था रुकावट था किसमें, जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, इसी कारण से जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करेगा कितना भी रुकावट रहे
बाद में तो होगा ही ना, हुआ ना जर्मनी का एकीकरण संभव, तब ना आज वर्ल्ड मैप में जर्मनी नाम का कंट्री आपको दिखाई देता है, नहीं नहीं तो वो 300 राज्य में बिखरा हुआ अभी भी दिखता। आया समझ में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ये जो ऑस्ट्रिया इसका क्या भूमिका था? ये जो ऑस्ट्रिया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। कैसे? अभी इसको छोड़ के आगे कैसी बताते हैं। देखिए क्या था, ऑस्ट्रिया जो था, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया इटली के कुछ इलाकों में क्या किए था, कब्जा किए था, और यहाँ देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के भी कुछ इलाकों में क्या किए था, कब्जा किए था। तो ऑस्ट्रिया का है भूमिका इसमें। हुआ क्या ना कि जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई, तब यार कि हम बता चुके पहले के पार्ट में, मेरा हर एक पार्ट में बहुत सारा जिक्र रहता है, बहुत सारा पॉइंट रहता है, हम पहले के पार्ट में बता चुके हैं, फिर से बता रहे। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? वाटरलू। वाटरलू कब? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसे नेपोलियन क्या हुआ था, हार गया था। तो उसके बाद किसका शासन शुरू हुआ था? मेटरनिक का। किसका? मेटरनिक का। ध्यान सुनिएगा, मेटरनिक जो था ना ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक ना, वो घोर प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है? वो क्रांति नहीं चाहता था, वो क्रांति नहीं चाहता था, पुराना व्यवस्था बनाकर रखना चाहता था। ऐसे समझे ना, पुराना व्यवस्था बनाकर रखना चाहता था, कहीं भी क्रांति, कहीं भी देशभक्ति, कहीं पर भी राष्ट्रवाद वो नहीं चाहता था, देशभक्ति का बहुत बड़ा विरोधी था। कौन? मेटरनिक। ऐसे समझे ना, चाहता ही नहीं कि कहीं भी देशभक्ति बढ़े, कहीं भी राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना जब बढ़ेगा ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, लोग हमको उठा कर फेंकेंगे। नहीं, इसलिए मेटरनिक चाहता था कि सब जगह मेरा ही शासन चलते रहे, पुराना व्यवस्था वाला ही शासन चलते रहे, कहीं भी क्रांति का संदेश नहीं फैले, कहीं भी देशभक्ति का संदेश नहीं फैले, राष्ट्रीयता की भावना नहीं पनपे। ठीक है, इसलिए बहुत प्रयास किया जी, बहुत कोशिश किया, लेकिन इतना प्रयास के बावजूद भी देशभक्ति क्या हुआ? बढ़ते रहा, बढ़ते रहा। ऐसे है ना, देशभक्ति क्या हुआ? बढ़ते रहा। और इटली और जर्मनी का एकीकरण का प्रयास शुरू हो गया। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण का प्रयास है ना, कोशिश जो है ना वो शुरू हो गया। लेकिन कोशिश शुरू हुआ ना तो मेटरनिक क्या करता था, हर एक कोशिश को दबा देता था, हर एक प्रयास को क्या करता था, दबा देता था। ऐसे है ना, क्योंकि चाहता था कि इस समय एकीकरण ना हो, क्या चाहता था मेटरनिक? एकीकरण ना हो। ऐसे समझे ना, इसलिए जब भी एकीकरण का प्रयास हुआ, ये इसको क्या किया? दबा दिया, बंद करवा दिया, अपने पावर के बढ़ोतर क्या किया, उसको बंद करवा दिया। लेकिन फिर भी प्रयास चलता रहा, चलता रहा। और हुआ क्या, 1848 में मेटरनिक का हार हो गया। 1848 में क्या हुआ? मेटरनिक का अंत हो गया। अंत हो गया, मेटरनिक मर नहीं गया, मेटरनिक के शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। ऐसे है ना, मेटरनिक के शासन का अंत हो गया 1848 में। तो जो इटली और जर्मनी के जो नेता लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, इटली और जर्मनी के जो क्रांतिकारी लोग थे, वहां के जो लोग थे, जो एकीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों का कहिए हम लोग के राष्ट्र का सबसे बड़ा मुसीबत क्या हो गया, अभी शायद हो गया है ना, हम लोग के राष्ट्र का सबसे बड़ा जो रोड़ा है, सबसे बड़ा जो चट्टान है, वो क्या हो गया है, शायद हो गया। अब भी हम लोग प्रयास क्या करो, तेजी कर दो, प्रयास अभी तेजी कर देते हैं तो इससे क्या होगा ना कि हम लोग का एकीकरण पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इटली और जर्मनी के लोग क्या किए, प्रयास तेज कर दिए, प्रयास क्या किए, तेज कर दिए। और इनके प्रयासों का नतीजा ही निकला कि अंत में जाकर इटली का भी एकीकरण हो गया और जर्मनी का भी एकीकरण हो गया। तो ऑस्ट्रिया का भूमिका नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आया समझ में कोई दिक्कत? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका नहीं है ना, नहीं, ये जितना प्रयास करता था ना मेटरनिक क्या करने का, प्रयास को दबाने का, एकीकरण के प्रयास को दबाने का, उतना ही राष्ट्र बढ़ता था, जितना दबाता था उतना ही राष्ट्र क्या होता था, बढ़ता था। आया समझ ना, तो एक तरह से समझो कि जाने जाने में मेटरनिक ने क्या किया, राष्ट्र को बढ़ा ही दिया था, चाहता नहीं था कि बढ़ाए, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम कर दिया ना कि कर रहा था वो राष्ट्र को दबाने का काम, लेकिन हो रहा था क्या, राष्ट्र बढ़ रहा था। आया समझे ना, वही राष्ट्र इतना ना बढ़ा, इतना ना बढ़ा कि आदमी इटली का भी एकीकरण पूरा हो गया और जर्मनी का भी एकीकरण पूरा हो गया। अल्लाह को आस पास में दोनों का एकीकरण हुआ था, एक साल के अंतर में हुआ था, एक को 1870 में हुआ तो दूसरे को 1871 में। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ऑस्ट्रिया की भूमिका? लिखोगे तो आपको लिखना क्या, ये लिखना कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था, ये सबसे बड़ा रुकावट था। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा रुकावट था। जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वो घोर प्रतिक्रियावादी था, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था, है ना, राष्ट्रवाद के विरोधी था, वो नहीं चाहता था कि राष्ट्रवाद बढ़े, इसलिए वो जब भी एकीकरण का प्रयास किया गया उसको क्या किया, दबा दिया। लेकिन दबाने से हुआ क्या कि राष्ट्रीयता की भावना और बढ़ते गए, काम इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना क्या हुआ और बढ़ते गए। ठीक ना, अंत में इसमें ऐसा आया कि 1848 में मेटरनिक का शासन खत्म हो गया। जैसे मेटरनिक का शासन समाप्त हुआ तो इटली और जर्मनी के लोग देखे कि हम लोग का रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया, हम लोग का रास्ता जो सबसे बड़ा चट्टान था वो तो साइड हो गया, अब छोटा मोटा ढेला है, उसको तो मानना क्या हटा देंगे,
है ना, बड़ा सा जो चट्टान था वो क्या हो गया, साइड हो गया, मतलब सबसे बड़ा रुकावट क्या था, ये मेटालिक था, ऑस्ट्रिया था, वो क्या हो गया था, साइड हो गया था। तो लोग क्या किया, एकीकरण का प्रयास तेज कर दिया, है ना। अब तेज करने का नतीजा निकला कि यहाँ पे जाके इटली का भी एकीकरण हुआ और जर्मनी का भी एकीकरण पूरा हुआ। आया समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम, इसको वन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रथम। विलियम प्रथम के बजाय जर्मनी का एकीकरण क्या था, असंभव था, कैसे? तो देखिए हुआ क्या, पार्ट नंबर 7 में लेकिन जर्मनी का एकीकरण, पार्ट नंबर 7 में आपको बताया ना जर्मनी का एकीकरण, तो उसमें बताया था कि एक जगह प्रसा, कौन सा जगह, प्रसा, इसे लिखे होंगे पहले के लिए, प्रसा है ना। तो प्रसा का राजा था विलियम प्रथम, प्रसा का राजा कौन था, विलियम प्रथम। ये राष्ट्रवादी था, मतलब देशभक्त था, राष्ट्रीयता के भावना को विकास करना चाहता था, अच्छा राजा था ना, समझा रहे ना। जो प्रसा का राजा था विलियम प्रथम, वो राष्ट्रवादी था और वो चाहता था जर्मनी का एकीकरण करना। वो क्या चाहता था, जर्मनी का एकीकरण करना, लेकिन वो जानता था कि जर्मनी का एकीकरण आसान काम नहीं है। जब तक हम इधर दुश्मनों को मार के भगाएंगे नहीं ना, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को, जब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराएंगे नहीं ना, तब तक हम जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं कर पाएंगे, मतलब जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए पूरा क्या क्या इंतजाम किया, अपना सैनिक व्यवस्था सही किया, इसके लिए पूरा प्रयास किया, अपने जो जर्मनी है, जर्मनी को सैनिक रूप से क्या किया, मजबूत बनाया, है ना, सैनिक रूप से क्या किया, मजबूत बनाया। और भी जो इंतजाम करना चाहिए वो सब इंतजाम कौन किया, विलियम प्रथम, ठीक है। इसके बाद उसको लगा कि अरे इधर से लोहा लेने के, मतलब इधर से टक्कर लेने के लिए कोई आपको मजबूत का डंडा रखनी चाहिए, तो इसको वो गुण नजर आया किसमें, बिस्मार्क में, किसमें नजर आया, बिस्मार्क में। और बिस्मार्क को ये क्या दिया, अवसर दिया कि लो तुमको अवसर देते हैं जर्मनी का एक कर दो पूरा करो। और बिस्मार्क भी उसका लिखा, बिस्मार्क सुना ना, इसके विश्वास में खड़ा उतरा, है ना, इसके सपोर्ट से बिस्मार्क क्या किया, तीन युद्ध किया, कितना युद्ध, तीन युद्ध किया बिस्मार्क, और तीन युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण क्या किया, पूरा कर दिया, आया समझना। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं करता विलियम प्रथम, विलियम प्रथम अगर सपोर्ट नहीं करता, अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाता, उसको ये जिम्मेदारी नहीं देता, तो क्या बिस्मार्क अकेले ये काम कर लेता, कर लेता अकेले बिस्मार्क, नहीं। तो ये कहना सही है ना, हम ये कह सकते हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे, आता हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण क्या था, असंभव था। आया समझ नहीं आया, क्या था, फिर से एक बार बोले कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण क्या था, असंभव था। यह बात बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। विलियम प्रथम जो है प्रसा का क्या था, प्रसा का क्या था, राजा था, और वो क्या चाहता था, जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, कौन, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम क्या चाहता था, जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, वो राष्ट्रवादी था, लेकिन वो जानता था कि बिना फ्रांस और ऑस्ट्रिया का राय ये काम होगा ही नहीं, इसलिए वो अपने आप को सैनिक रूप से मजबूत बनाया, किसको, मतलब जर्मनी को, जर्मनी को वो क्या किया, सैनिक रूप से मजबूत बनाया, और हर कोई इंतजाम किया जो जरूरी था, सब इंतजाम कौन पूरा किया, विलियम प्रथम। इसके बाद वो क्या किया, बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसी को ये अवसर दिया, उसी को ये जिम्मेदारी दिया कि तुम क्या करो, जर्मनी का एकीकरण करने का काम पूरा करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। और विलियम प्रथम के सपोर्ट से ही बिस्मार्क क्या किया, तीन युद्ध किया, और तीनों युद्ध में ये क्या किया, जीत हासिल करके ये जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया, ऐसे ना। तो अगर ये विलियम प्रथम बिस्मार्क को क्या करता, अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाता, उसको ये जिम्मेदारी नहीं देता, तो बिस्मार्क अकेले ये काम नहीं कर पाता। अगर विलियम प्रथम उसको सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं देता, तो बिस्मार्क अकेले ये काम नहीं कर पाता। अतः हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क के लिए अकेले, बिस्मार्क के लिए अकेले, मतलब विलियम प्रथम के बजाय जर्मनी का एकीकरण करना क्या था, असंभव था। समझा यार, बोली कर, चलिए ये था आज का वीडियो, ठीक है, पार्ट नंबर 8। तो इससे पहले पार्ट में जो 6-7 है जिसमें इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण बताया, वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देख लीजिएगा ना तो और आपको अच्छा से समझ आएगा, क्योंकि उसी का जो बात है वो अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका कुछ आगे भी टॉपिक लेकर।